इस वीडियो में हम बात करेंगे 1970 की फिल्म कजिन अंजेलिका के बारे में, जो कहानी है लुइस नाम के आदमी की, जो अपनी माँ की मौत के बाद अपनी नानी के घर में गया और उस घर की यादों में गुम होकर वो अपने अतीत को अपनी आंखों के सामने देखने लगा। बार्सिलोना में रहने वाला लुइस एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसने आज तक शादी नहीं की। अपनी माँ की मौत के 20 साल बाद उसने उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का फैसला किया। उसकी माँ चाहती थी कि उन्हें सेगोविया शहर में मौजूद उनके पुराने घर के पास दफनाया जाए, जहाँ लुइस की नानी रहती है। इसलिए इस ख्वाहिश को पूरी करने लुइस सेगोविया की ओर बढ़ा। बीच रास्ते में रुककर वो एक ऐसे इलाके में अपने अतीत को याद करने लगा जहाँ उसने बचपन के कुछ पल गुजारे थे। वो उसी बचपन को अब जीने लगा और उस वक्त के बारे में सोचने लगा जब 1936 में उसकी माँ उसे उसकी नानी के घर ले जा रही थी। आज अपनी नानी के घर में आकर लुइस उस शहर के बदले हुए रूप को देख रहा था। वो अपनी मासी पिलार से मिलने उनके घर पहुंचा, जो उसे सालों बाद देखकर बहुत खुश हुई। उन्हें लुइस का उस घर में आना किसी चमत्कार की तरह लग रहा था। लुइस ने बताया कि उसकी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें उस परिवार के वॉल्ट में दफनाया जाए और इस काम के लिए लुइस को पिलार की इजाज़त चाहिए। इजाज़त देकर उन्होंने लुइस से कहा कि वो किसी होटल में नहीं बल्कि उसी घर में रहेगा। उन्होंने उसे बताया कि उसकी कजिन एंजेलिका उसी बिल्डिंग में रहती है और ये सुनकर लुइस हैरान हो गया। अब उसका पूरा ध्यान एंजेलिका पर चला गया, पर उसने फिर भी होटल में रहने का फैसला किया। लुइस को अपने बचपन का दोस्त फिलिपे मिला, जो अब एक पादरी बन चुका है, और अपने स्कूल जाकर लुइस फिर से यादों में गुम होने लगा। उसे चर्च का वो नाटक याद आया जिसका वो हिस्सा हुआ करता था, और फिर उसे अपनी कजिन एंजेलिका याद आ गई जिसे वो बचपन में पसंद किया करता था। लुइस को बचपन के दिन तो याद आ रहे थे, पर उसके दिमाग में वो अपने आप को बचपन के रूप में नहीं देख पा रहा था। लुइस की माँ ने उसे कुछ दिनों के लिए उसकी मासी के घर में रहने भेजा था, पर एक चिट्ठी के जरिए उन्होंने बताया कि स्पेन के बदलते हालातों की वजह से वो अपने शहर से निकल नहीं पा रहे, इसलिए लुइस को कुछ और महीनों के लिए उस घर में रहना होगा। उस चिट्ठी को पढ़कर लुइस निराश नहीं हुआ, क्योंकि उसे एंजेलिका के साथ वक्त बिताने का और मौका मिल गया। उस दौरान स्पेन के हालात बदतर होते जा रहे थे और लोगों के लिए जीना मुश्किल साबित हो रहा था। लुइस अपनी नानी के परिवार को परेशानी का सामना करते हुए देख रहा था और एक दिन उन्हें खबर मिली कि वॉर खत्म हो चुकी है और वो सब आज़ादी का जश्न मनाने लगे। पर लुइस के पिता उस सोच का हिस्सा थे जिस सोच के लोगों को हराया गया था, इसलिए एंजेलिका के पिता ने लुइस से कहा कि अब उसके पिता का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। लुइस के दिमाग में एंजेलिका के पिता बिल्कुल वैसे नजर आ रहे थे जैसे आज एंजेलिका का पति अनसेल्मो नजर आता है। लुइस अब अपने अतीत और प्रेजेंट के बीच झूल रहा था और वो एंजेलिका के परिवार के साथ वक्त भी बिता रहा था। लुइस जानता था कि आज के दौर में हर कोई उसके पिता की सोच के खिलाफ है और यही बात अनसेल्मो ने भी कही, पर लुइस जानता था कि उसकी बात गलत नहीं है। लुइस ने अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी की और पिलार को संभालने लगा। घर लौटकर लुइस ने कहा कि अनसेल्मो बिल्कुल एंजेलिका के पिता की तरह दिखता है, पर एंजेलिका के पिता की तस्वीरों से एंजेलिका ने साबित किया कि लुइस की बात गलत है। लुइस की यादें धुंधली थी, इसलिए उसे ठीक तरह याद नहीं था कि उसके आसपास के लोग कैसे दिखते थे। उसे बस अपनी माँ का चेहरा ठीक से याद था, जिन्होंने उसे उस घर में अपनी दो बहनों और माँ के पास छोड़ा था। लुइस उस घर में रहना तो नहीं चाहता था, पर एंजेलिका की माँ ने उसे समझाया कि कुछ दिनों में वो बेहतर महसूस करने लगेगा। उसी वक्त को याद करके लुइस एंजेलिका के बारे में सोचने लगा, जिसके साथ खेलकर उसे बेहतर महसूस हुआ करता था। एक दिन एंजेलिका ने उसे बताया कि उसके पिता को लोग गद्दार मानते हैं क्योंकि वो फासिस्ट सरकार के खिलाफ है, इसलिए उन्हें किसी भी वक्त मारा जा सकता है। उस बात को याद करते हुए लुइस के घर लौटने का वक्त आ गया और जैसे ही वो उस शहर से निकला, वो फिर से उसी मोड़ पर आ पहुंचा जहां से उसे अपना बचपन याद आना शुरू हुआ था। फिर से उन्हीं दिनों को याद करके उसने अपनी मासी पिलार के घर लौटने का फैसला कर लिया और कुछ और दिन अपना बचपन जीने के लिए वो उसी घर में लौट गया। अपने बचपन की यादों में गुम होकर वो पिलार के घर में ही रहने लगा। वो एंजेलिका और उसकी बेटी के साथ और ज्यादा वक्त बिताना चाहता था और इसके अलावा वो उन लोगों को भी ढूंढना चाहता था जिन्हें वो बचपन में जानता था। अपने स्कूल में जाने पर उसे पता चला कि अब स्कूल के साथ साथ स्टाफ का हर इंसान बदल चुका है। वो उस कमरे में गया जो कभी सिनेमा हॉल हुआ करता था और उस कमरे में बैठकर वो उस फिल्म को याद करने लगा जो फिल्म उसने वहाँ बैठकर देखी थी, और वही फिल्म उसके सपनों में भी आने लगी। उस फिल्म का असर लुइस पर ऐसा था कि उसे बचपन में डरावने सपने दिखाई देने लगे थे। वो रात रात भर एक नन को देखकर चिल्लाता रहता था और उसे उसकी मासी पिलार ने ही संभाला था। ये सब कुछ याद करते हुए उसे वो रात भी याद आई जब वो एंजेलिका को संभाल रहा था। एंजेलिका के नाक से बह रहे खून को रोकते हुए लुइस ने उसे ये बताने की कोशिश की कि वो उसे पसंद करता है, पर वो उसे सच बता नहीं पाया। आज उसी एंजेलिका के पति अनसेल्मो के साथ वो एक पिकनिक के लिए आया है। अनसेल्मो उसे अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना चाहता था, पर उसे जमीन खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
अनसेल्मो थककर सो गया और एंजेलिका की बेटी भी उसके पास चली गई, जिसके बाद लुइस एंजेलिका से परिवार की बातें करने लगा। एंजेलिका का मानना था कि लुइस जिंदगी में आजाद है क्योंकि उसकी अब तक शादी नहीं हुई है, पर सिर्फ लुइस जानता था कि शादी ना करने का फैसला उसे सिर्फ अकेलापन दे रहा है। लुइस समझ गया कि एंजेलिका अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है, पर उन दोनों की बातों के बीच उसकी बेटी आ गई और लुइस को उसके साथ खेलना पड़ा। बचपन में चर्च के पादरी ने लुइस को अपने पास बुलाया था और उससे एंजेलिका के बारे में पूछ रहा था। उसे पता चला था कि लुइस एंजेलिका के करीब आया था, इसलिए पादरी समझाने लगा कि उसकी ये हरकत सही नहीं है। उस वक्त लुइस के दिल में एंजेलिका के लिए जो कुछ था, आज वही चीजें उसके दिल में फिर से जागने लगी है। लुइस ने एंजेलिका की बेटी को अपने और एंजेलिका के रिश्ते के बारे में भी बता दिया और वो अपनी माँ के बारे में और जानने की कोशिश करने लगी, जिसके बाद उसे पता चला कि बचपन में उसकी माँ बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी। उस वक्त एंजेलिका और लुइस को अपने रिश्ते में कोई भी बुराई नजर नहीं आ रही थी, जबकि उनका इस तरह साथ रहना गलत था। लुइस के इमेजिनेशन में अब भी एंजेलिका के पिता अनसेल्मो की तरह नजर आ रहे थे और एक कट्टर फासिस्ट होने की वजह से लुइस ये सोच रहा था कि वो हर वक्त हिटलर को सलामी देते थे। जो नन लुइस के सपनों में आया करती थी वो कोई और नहीं लुइस की तीसरी मासी थी और वो भी अपने परिवार की तरह लुइस के पिता को पसंद नहीं करती थी। एंजेलिका के साथ लुइस आज पिलार के उस कमरे में गया जहां वो चीजें पड़ी है जो सालों से संभाल कर रखी गई है। एंजेलिका उन चीजों में अपने बचपन की यादें ढूंढना चाहती थी और कुछ देर तक छानबीन करने के बाद उसे वो किताबें मिल गई जो उसकी और लुइस की थी। उन किताबों को लुइस अपने साथ बार्सिलोना ले जाना चाहता था ताकि वो उन किताबों को पढ़कर अपना बचपन ठीक से याद कर पाए। लुइस की इसी जिद की वजह से एंजेलिका भी अपना बचपन फिर से जीने लगी। बचपन याद करके उसे बेहतर महसूस होने लगा और वो भी फिर से लुइस को उसी तरह पसंद करने लगी जिस तरह बचपन में किया करती थी। और लुइस के साथ साथ एंजेलिका को भी वो दिन याद आ गया जब उसके पिता ने उसे और लुइस को साथ देख लिया था। सजा के तौर पर लुइस को चर्च में पढ़ने के लिए भेज दिया गया था और उस स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ उसे भी वॉर की असलियत बताई गई थी। बच्चों को ये बताया गया था कि वॉर का असर उन लोगों पर होता है जो पाप करते हैं। धरती पर आज सिर्फ पाप हो रहे हैं, इसलिए हर जगह तबाही फैल रही है, पर जो भी भगवान का रास्ता अपनाएगा उसे मौत जैसी चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन बच्चों से कहा गया कि एक छोटा सा पाप भी उन्हें नरक में भेज सकता है और नरक का सफर उस क्लास के बोर्ड पर बनाए गए जीरो की तरह है जो कभी खत्म नहीं होता। लुइस उसी चर्च में रहने लगा था और क्योंकि वो अपने आप को एक पापी मान रहा था, उसे यकीन था कि मौत उसके करीब है। उस स्कूल पर भी वॉर का असर हुआ और उन बच्चों पर हमला किया गया, जिसके बाद लुइस ने पहली बार एक बच्चे की मौत देखी। वो हमला लुइस को आज अपनी एक किताब में पढ़कर याद आ गया। कुछ देर बाद एंजेलिका लुइस के पास आई। वो कुछ सामान लेने आई थी, पर लुइस समझ गया कि वो अनसेल्मो से दूर रहने के लिए उसके पास आई है। एंजेलिका अनसेल्मो को छोड़ना चाहती थी क्योंकि शादी होने के बावजूद वो अकेलेपन में जीती है। अंत में जब एंजेलिका ने कहा कि वो लुइस के साथ रहना चाहती है, तो लुइस ने अपने आप को रोक दिया, जिसकी वजह से एंजेलिका वहाँ से चली गई। एंजेलिका को इस तरह देखकर लुइस ने अपने घर लौटने का फैसला किया, क्योंकि वो जानता था कि एंजेलिका के पास आना उसकी गलती थी। पिलार, अनसेल्मो और एंजेलिका को अलविदा कहकर लुइस अपने घर लौटने लगा और जाने से पहले वो कुछ देर के लिए एंजेलिका की बेटी के साथ एक साइकिल पर सैर करने निकला। ऐसा करने से लुइस को वो दिन याद आ गया जब वो एंजेलिका को लेकर अपने शहर बार्सिलोना की ओर जा रहा था। वो एंजेलिका को अपने घर ले जाना चाहता था जहां फासिस्ट समर्थक नहीं रहते, पर बीच रास्ते कुछ सिपाहियों ने उन्हें देख लिया और उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा। फिर भी वो सिपाहियों से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाए और उन्हें वापस पिलार के घर भेज दिया गया। उस दिन एंजेलिका के पिता ने लुइस को इस हरकत की सजा दी और उसी दिन लुइस को समझ आ गया कि वो ना तो अपनी नानी के परिवार की सोच बदल पाएगा और ना ही एंजेलिका को इस माहौल से आजाद कर पाएगा। एंजेलिका भी उस दिन समझ गई कि वो हमेशा के लिए एक ऐसी जिंदगी में फंस चुकी है जहां उसे खुशी नहीं मिल पाएगी, पर उसे इस जिंदगी और इन लोगों से दूर जाने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।